बंटाए राज। दाऊद राजा हर 40 बछर तक इजराइल के ऊपर राज करिस, कहाँ ओहर मर गिस और ओकर बेटा सुलेमान हर इजराइल मा राज करे बर शुरू करिस। परमेश्वर हर सुलेमान ले गोठियाइस और ओला पूछिस कि उ सबले ज्यादा का चाहत है कि परमेश्वर ओकर बर करे। सुलेमान हर परमेश्वर ले मांगिस कि ओहर ओला बनेच बुद्धिमान बना दे। ई गोइठ हर परमेश्वर ला खुश करिस। इकर बर परमेश्वर हर सुलेमान ला संसार के सबले बुद्धिमान पुरुष बना दिस। सुलेमान हर बनेच गोइठ मन ला सीखिस और एक जन बुद्धिमान शासक रहिस। परमेश्वर हर ओला बनेच धनी घोले बना दे रहिस। यरूशलेम मा सुलेमान हर उ मंदिर ला बनाइस जेकर बर ओकर पिता हर योजना बनाए रहिस और सामान ला जमा करे रहिस। अब मनसे मिलाप वाले तंबू के अलावा मंदिर मा परमेश्वर के आराधना करत रहिन और ओकर बर बलि चढ़ात रहिन। परमेश्वर मंदिर मा आके उपस्थित रहत रहिस और ओठी ओहर अपन मनसे मन के संग वास करत रहिस। लेकिन सुलेमान हर दूसर देश मन के नारी मन के संग माया करिस। ओहर बनेच लगभग 1000 नारी मन ले बिहा करके परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन करिस। इमा ले बनेच नारी मन दूसर देश मन ले आइन और अपन संग अपन देवता मन ला लानिन और ओ मन के आराधना करे बर घोले जारी राखी। जब सुलेमान बूढ़ा होगिस तो ओहर घोले ओ मन के देवता मन के आराधना करिस। इकर खातिर परमेश्वर सुलेमान ले रिसाय रहिस। ओहर कहिस कि उ इजराइल देश ला दू ठन राज मन मा बांटा करे के द्वारा ओला दंड दिही। उ सुलेमान के मरे के बाद ऐसने करिही। सुलेमान के मरे के बाद ओकर बेटा रहबाम राजा बनिस। इजराइल देश के सब मनसे मन ओला अपन राजा के रूप मा स्वीकार करे पर एक संग जमा होइन। ओ मन हर रहबाम ले शिकायत करिन कि सुलेमान हर ओमला बनेच कठिन परिश्रम करवाए रहिस और बनेच ले कर ले रहिस। ओ मन रहबाम ले विनती करिन कि ओमन ले कम काम करवाए। लेकिन रहबाम हर ओमला बड़ मूर्खता ले जवाब दिस, तुमन कहत ह कि मोर पिता सुलेमान हर तुमन ला कठिन परिश्रम करवाइस, लेकिन मैं तुमन ले ओकर ले घोले ज्यादा परिश्रम करवाहा और मैं तुमन ला ओकर ले घोले ज्यादा पीड़ित करिहा। जब मनसे मन ओला ऐसने कहत सुनिन तो ओमन ले बनेच मन ओकर विरोध मा लड़ाई कर दिन। 10 गोत्र मन ओला छोड़ दिन। ओकर संग केवल 2 गोत्र बाँच गिन। ई 2 गोत्र मन अपन आपला यहूदा के राज कहिन। बाकी के 10 गोत्र मन यारोबाम नाम के एक झन पुरुष ला अपन राजा बना लिन। ई गोत्र देश के उत्तर पूर्वी भाग मा रहिन। ओ मन हर अपन आपला इजराइल के राज कहिन। लेकिन यारोबाम हर परमेश्वर के विरोध मा लड़ाई करिस और मनसे मन ले पाप करवाइस। ओ हर अपन मनसे मन के द्वारा आराधना करे बर 2 मूर्ति ला बनाइस। ओ मन अब यहूदा के राज यरूशलेम मा परमेश्वर के मंदिर मा ओकर आराधना करे बर नी जात रहिन। यहूदा और इजराइल के राज बैरी बनगिन और अक्सर एक दूसर के विरोध मा लड़े लागिन। इजराइल के नवा राज मा सबेज राजा दुष्ट रहिन। इमाले कई राजा ओमन के जगह मा राजा बने के इच्छा राखे वाला मन आने इजराइली मन के द्वारा मार डारेगिन। इजराइल राज के सब राजा और बनेच मन से मूर्ति मन के आराधना करत रहिन। जब ओमन हर ऐसने करिन तो ओमन अक्सर वेश्या मन के संग संबंध बनात रहिन और इकरा तक कि अनेक घा मूर्ति मन के आघू मा लैका मल्ला बलि घोले करत रहिन। यहूदा राज के राजा दाऊद के वंशज रहिन। ई राजा मल्ले कई बढ़िया मन से रहिन जोन मन हर न्यायपूर्वक शासन करिन और परमेश्वर के आराधना करिन। लेकिन यहूदा के अधिकांश राजा दुष्ट रहिन। ओ मन हर दुष्टता ले राज करिन और मूर्ति मन के आराधना करिन। एकरा तक ले कि इमाले कुछ राजा मन झूठा देवता मन के आघू मा अपन लैका मन ला घोले बलि कर दिन। यहूदा के बनेच मन से मन परमेश्वर के विरोध मा युद्ध करिन और दूसर देवता मन के आराधना करिन। पहला राजा अध्याय
एक छै 11-12 ले बाइबिल के एक ठन कथा।